कोई नहीं। डैम श्योर हां तेरा घर वाला इत्थे लुकिया है। दसो कित्थे? सर जी इत्थे क्यों होंगे? मैनू नहीं समझ आ रही तुसी की कह रहे हो। देख दिया, तू जिन्ना मर्जी अनजान बनने की कोशिश कर ले, मैं चंगी तरह जानता कि अरज इत्थे ही है। इथों साड़ियां नजरां तो बच के नहीं जा सकता। हुण जे तू मैनू दस दिनी कि अरज किधर नू गया तो मैं तेनू अकैडमी च रहन देवांगा ते नैशनल च खेडण दी परमिशन भी दे दांगा। अरज नाल जुड़े होण करके जो ट्रबल्स तू फेस करदी है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। तुसीं अपने आप दी पिठ पिछे वार करना जानते होवोगे। मैं नहीं। ठीक, तां फिर अरज दे नाल नाल अज तू भी अकैडमी चो बाहर ही जाएगी। बिकॉज आई एम श्योर कि अजे तक इतों बाहर नहीं निकलिया होगा क्योंकि अकैडमी के सारे डोर्स लॉक्ड ने। जे अज जो मेरे हाथ लग गया ना तो अरज की अज की गेम के नाल नाल तेरा करियर भी ओवर। यार सुखी मैं तो समझ ही नहीं आ रही सर जी इन बंदियों का मुकाबला कल कि करांगे नाले वो भजनगे कि हम तो लाइट भी ऑन हो गया ने। तेनू पता भी है मैं कितना गलत बंदा है नाले तेनू दिया दी लाइफ तो लेना देना की है। तू कल मैनू आप क्या सी ना कि तू अरज ब्रो नू पुल के अगे मूव ऑन कर चुकी है तेनू उन्होंने दोनों की लाइफ तो कोई लेना देना नहीं है। देन व्हाट इज ऑल दिस? ओ गॉड हुण मैं दीनू किद्दां समझावां? मैनू कोई इमोशनल कार्ड खेलना पड़ेगा क्योंकि दीनू ओही लैंग्वेज समझ आती है। इत्थे आन तो पहला मैनू यही लग गया सी कि मैं अरज तो मूव ऑन कर चुकी हूँ पर जदों अरज मेरे नेड़े आए तो फिर मैनू एहसास होया कि अरज बहुत ही ज्यादा केयरिंग ते स्वीट ने। ते इत्थे आके मैनू ए भी पता चलिया कि दिया ते अरज कोई रिश्ता नहीं है ते जे एक मरिया होया रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए तो इहदे च की गलत है? मैं ते अरज आराम नाल व्याह करा सकदी आ ना। ट्विंकल अरज ब्रो दा व्याह दिया नाल हो चुकिया है। ट्विंकल दिया नूं तां असीं भी पसंद नहीं करदे पर इहदा मतलब यह नहीं है कि असीं इस गल नूं नजरअंदाज करिए कि वो दोनों लीगली मैरिड ने। ब्याह तड़वाने इन्ने सौखे नहीं होंदे ट्विंकल। हाली मैनू इस विच ना दिया दी कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है मैनू तेरी। मैं नहीं चाहती कि तू दोबारा इन्हां चक्करां च इनवॉल्व होके अपने आप नूं दोबारा हर्ट करे। नहीं समायरा भाभी, नहीं समायरा भाभी। एकम, मयंक साडे गेम खेडण की कोशिश कर रहा है ते असीं इदां चुपचाप नहीं बह सकते। आफ्टर ऑल ए दिया दी सेफ्टी का सवाल है। वड्डे ब्रो दिया भाभी उदा भी रिस्की मिशन ते ने, मैनूं तां डर है कि वो अपने आप नूं किसी होर खतरे च ना पा ले। मतलब? वड्डे ब्रो मैं नहीं जानता कि तुहानूं इह चीज़ पता है या नहीं बट दिया भाभी ने मॉम नूं इह प्रोमिस कीता है कि वो अकैडमी जाके मयंक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे
ते ओ स्कैंडल जो तुहाडा नाम क्लियर करा। मैं एकेडमी अपने मतलब ले नहीं बल्कि सर जी दे लई ज्वाइन करना चाहती हूं। आज मैं इत्थे खड़ी होके तुहाडे सब दे सामने ये वादा कर दियां कि मैं सर जी दे लगे हुए सारे इल्जाम नु गलत साबित करके रवांगी। व्हाट ए दिया दा दिमाग ते नहीं खराब हो गया? ओनु ए सब करने किने क्या सी? किसी ने नहीं किया बटे ब्रो, तो ये सब आप करना चाहते ने। पर दिया सब क्यों करना चाहती है? क्योंकि वो तो आड़ी केयर करते ने बड़े ब्रो। मैं तो लगता है जिदा मयंक ने तुहानू उस दिन स्टेज पे बुला के तुहाडी इंसल्ट की है ना, दिया भाभी के उत्ते बहुत डूंगा असर पे है। आई नो एकम, मैं उस दिन थोड़ा जहा अपसेट सीगा, बट ऐसा है मतलब नहीं कि दिया अपने करियर नु खतरे च पा दे। बड़े ब्रो ये मैं तुहानू तां दस रहा ताकि तुसी दिया भाभी ते थोड़ा भरोसा कर सको, ते तुहाडा इदां उत्थे बार बार जाना दिया भाभी नू होर खतरे च पा सकता है। आई नो एकम, पर सानू दिया नू रोकना पड़ेगा। दिया सब करके अपने आप नू बहुत वड्डी मुसीबत पा रही है, क्योंकि मयंक कुछ भी कर सकता है। सो तुसी मैनू दस दो की अरेंजमेंट करने ने, मैं कैश विड्रो करके सारे काम करवा देना। नहीं नहीं कोई गल नहीं, तेनू इस सब करने की कोई लोड़ नहीं है, इस सारे इंतजाम असी खुद देख लांगे। एकम पुत्र। हाँ जी डैड। इधर आ। ओके आया। हाँ जी डैड। एकम पुत्र मैं चाहता कि इस बार वैसाखी फंक्शन की सारी तैयारियां तू खुद देखे। इस काम लई तेनू जिन्ने पैसे चाहिए हो मैं दस दी। ठीक है डैड, मैं एस्टिमेट करके दस देना। ठीक है। लो आ गए। सो इस तो पहला कि दिया रंधावा इस अकेडमी की टॉप प्लेयर ईशा शर्मा के ऑपोजिट मैच खेडे, जिन्हों की पर्सनली मैं ट्रेन किया है, मिसेस दिया रंधावा नू यह साबित करना पड़ेगा कि वो ईशा शर्मा के ऑपोजिट मैच खेडन दे लायक है भी या नहीं। उदे वास्ते दिया नू बाकी सारे प्लेयर्स नाल मैच खेड के उन्हां नू हराना पड़ेगा। जे दिया ये करन विच कामयाब हो जाती है तो दिया ईशा दे अगेंस्ट मैच खेडना डिजर्व करती है, ते जे दिया नू लगता है कि वो ये चैलेंज नहीं जीत सकती, मैच तो बैकआउट करना चाहती है, तो बड़े आराम ना कर सकती है, क्योंकि वैसे भी ए ते एदा लूदर कोच चैलेंजर तो भजदे ही आए ने। नहीं ऐदा दा कुछ भी नहीं है, मैनू ये चैलेंज मंजूर है। ठीक है चलो मैच शुरू कर दें। डैड जब मैं तुहानू कह रहा मैं सारे काम कर लांगा, देन तुसी ओही सारे काम एक काम नू क्यों दे रहे हो? सी डैड मैं मंदा बीजी दे मामले च मेरे ते गलती हो गई, पर एदा मतलब ए थोड़ी कि तुसी पूरी लाइफ मेरे तो गुस्सा रहोगे। नहीं अंकद इस तरह की कोई गल नहीं हैगी, बनिया की बीजी की गल नू लैके मैं तेरे तो गुस्सा हैगा सी, पर यह सब मैं इस करके नहीं कर रहा, मैं तो तेरे ते यह बर्डन कटाउन पिछे कर रहा वा। दिया जोश जोश से चली हो गई है,
मैच किसी भी हाल च जितना ही पड़ेगा। मैनू की हो रहा है? समझ नहीं आती है संधू सर हमेशा अरज ते उहदी वाइफ नूं बचाउण लई कित्ता आ जांदे ने। समायरा मैनूं बड़ी खुशी हो रही है जिहड़ा तूं विसाखी तों पहलां आ गई। सच्ची तेरे बिना घर च बिल्कुल रौनक नहीं सी, इन्ना सुन्ना सुन्ना लग रहा सी। भावें दिया इत्थे नहीं है पर साडी हैल्प लई ट्विंकल तां इत्थे है ना, हुण दिया दी जगह ट्विंकल साड़ी हेल्प करेगी, नाले ट्विंकल भी साड़ी फैमिली दा हिस्सा ही है। इरा, ट्विंकल भावे परिवार दा हिस्सा है पर दिया दी जगह कदे नहीं ले सकती क्योंकि दिया इस घर दी नूह है, ट्विंकल नहीं। बीजी ट्विंकल भी तो साडे घर दी नूह बनन वाली सी ना, ते नाले ट्विंकल विच ना इस घर दी नूह बनन लई सारे गुण ने। हाँ होन गया पर नूह बनी तो नहीं ना क्योंकि इस घर की नूह बनना दिया की किस्मत च लिखा सी, ते ऊपर वाला जो करता है ना चंगा ही करता है। ओहो इस गल नूं करन दा की फायदा, छड्डो ना। नाले जिहड़ी कुड़ी इस घर च है ही नहीं उहदे बारे गल करन दा की फायदा। समायरा बेटा तू ना प्रसाद होर लिया, आपा भोग लगा लिए। जी मम्मी जी। सो मैनू लगता है कि काम मयंक दा ही सी। ओके मतलब एंटी डोपिंग डिपार्टमेंट विच मयंक सर ने फोन किया सी, पर उन्होंने फोन तो ताही किया होगा ना जदों श्योर होंगे कि सर्जरी का रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हाँ इदा मतलब मयंक सर ने सर्जरी नूं ड्रग्स देने की कोशिश की थी। हाँ अच्छा किसी ने मयंक सर नूं सर्जरी नूं कुछ खान पीन की चीज देने देखा सी? नहीं क्योंकि अरज इदा दा प्लेयर है जो मैच दौरान कुछ नहीं खांदा। हाँ पानी जरूर पींदा है, हो सकता है मयंक ने ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਰਜ ਨੇ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਬਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੈਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਸ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ मैं तेनू झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता क्योंकि यह भी हो सकता है कि जो फुटेज होएगी भी तो मयंक ने सबूत मिटाने लई वो फुटेज डिलीट ही ना करवा दिती होए। पर मयंक सर नू उन्होंने कीती हुई गलती की सजा दवाने का कोई होर तरीका तो होएगा ना, क्योंकि तुहानू भी पता है इन्ने सालों तो मयंक सर की गलती की सजा सर जी भुगत रहे ने। पर हुन टाइम आ गया,
कि सर जी उन्हां दी बनदी हुई रिस्पेक्ट मिले ते मयंक सर नूं ओ पनिशमेंट जो डिजर्व करदे ने। बीजी तुसी ठीक हो? हाँ पुत्तर मैं बिल्कुल ठीक हाँ। बीजी मैं तुहानू दस नहीं सकती कि तुहानू इत्थे देख के मैं कितनी ज्यादा खुश हाँ। तुहानू पता है मैं तुहानू बहुत ज्यादा मिस कर रही सी ते देखो रब ने तुहानू मेरे कोल ही भेज दिता। हाँ पुत्तर दरअसल इत्थे मैं तुहानू एक गुड न्यूज देन आई सी। गुड न्यूज? हाँ दिया स्मैरा प्रेगनेंट है। सच्ची? बीजी इतना वाकई बहुत खुशी की गल है। रब दा शुक्र है उन्होंने समायरा भाभी दी अरदास सुन ली। वो बेचारे कितने टाइम तो इस दिन दा इंतजार कर रहे सी। हाँ हाँ। अच्छा बीजी अंगद वीर जी मम्मी जी बहुत खुश होंगे ना? हाँ हाँ मादनी दा बैसाखी मौके आने वाले बच्चे लिए पूजा भी रखी हुई है। दिया पुत्र तू तो पूजा लिए आ नहीं सकती ना इसलिए मैं सोचिया कि मैं थे आप आके तन्नू खुशखबरी दे दा। घटो घट तन्नू इस गल का तो पता रहेगा ना कि काज की हो रहा है। ते उस घर दी वड्डी नू होने दे नाते तेरा इन्ना तो हक बनता है ना। अच्छा दिया अपना ख्याल रखी। हाँ सुन दिया पुत्र मैं तेरे वास्ते ना पंजीरी बना के ले आई। मैनू पता है तेनू पंजीरी बहुत पसंद है। थैंक यू बीजी। अरज तुसी भावे बैडमिंटन खेलना बंद कर दिता है पर थोड़े मसल्स हजे भी काफी स्ट्रॉन्ग। बस ट्विंकल तू ये सब की कर रही है? सॉरी अरज एक्चुअली पिछले कुछ महीने तो जो भी कुछ होया उस तो बाद मेरी लाइफ पूरी खराब सेट हो गई है। उस चीज का डर मेरे अंदर हाले तक नहीं गया। मैनू तो अब पता नहीं लगता कई बार कि मैं चीज क्यों कर दिया। एक्चुअली असी इन्ने साल तो क्लोज फ्रेंड सी तो मैनू लग गया थोड़े ते हक जमाना बनता है पर जे तुहानू बुरा लग्या तो आई एम सॉरी। इट्स ओके ट्विंकल तू माफी ना मांग देख तेरे हाथ तो फिर खून आ रहे तो इधर बह मैं तेरी पट्टी कर देना। ठीक है बट तो फिर भी इत्थे आया राइट इसलिए तू अपनी सलाह मैनु ना ही दे। वैसे भी जूनियर्स नू प्रैक्टिस की बहुत लोड़ है फाइनल मैच की उन्हां दी बिल्कुल भी तैयारी नहीं इसलिए मैं किसी नू किते भी जाने की परमिशन नहीं दवांगा। जा हुण इत्थों। तेरी बैंडेज हो गई खुद तू जाके रेस्ट कर ले। भाई द वेरज मैं तुहानू कॉन्ग्रेचुलेट करना तो भूल ही गई। तुसी फिर तो ताया जी बन गए ते मैं मासी। Yes. सर मैंने विसाखी ते कर जान दी परमिशन चाहिदी सी ते उहदे लई मैं अर्जी भी लेके आई हां। ठीक है तू कर जा सकदी।
थैंक यू सर। तो यही सोच रही है ना कि मैं उन्हें छुट्टी कितना देती हूं। मेरी मर्जी, मैं तेनों नहीं दवा। पर ये तो नजायज हुई ना, जो तुसी उन्हें छुट्टी दे सकते हो तो मैनू क्यों नहीं? क्योंकि मैं तेनों छुट्टी देना ही नहीं चाहता। ठीक है, जो तुसी मैनू छुट्टी नहीं दोगे ते मैं तुहाडे सीनियर्स दे नाल तुहाडी कंप्लेन करांगी ते उहनां नूं इह दसांगी कि किद्दां तुसी अपने स्टूडेंट्स दे नाल फर्क करदे हो, ताकि उहनां नूं भी पता लगे कि तुसी मेरे नाल अपनी पर्सनल दुश्मनी कढ रहे हो। ओके फाइन। इस बार मैं तेनूं जितन दे रहा। ओके तू घर ही जाना है ना? बस जी, साडा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। परीरा, उस दिन तू ही तो ट्विंकल नूं कहा सी ना कि अरश ब्रो ते दिया दे विच कोई भी इदां दा रिलेशनशिप नहीं है, फिर वह बच्चा कैसे प्लान कर सकती है? ओ हो समायरा भाभी, जिदा उस दिया ने अपने ब्याह वाले दिन ड्रामा करके अरश ब्रो नाल ब्याह करा लिया सी ना, उदा वह अरश ब्रो नूं इमोशनली ब्लैकमेल करके ना उन्हां नाल रिलेशनशिप च नहीं आ सकती। इनफैक्ट उस दिया ने ना अरश ब्रो दे नेड़े जाण लई ना पूरी प्लानिंग कीती होई सी। दिया, भाभी तुसी, वाओ दिया, नाइस सेटअप। हुन इस ओकेजन नू होर परफेक्ट बनाउन लई ना तेनू अरज ब्रो दा फेवरेट सॉन्ग चलाना चाहिदा है। सो तुसी ना उहनू इन्ना इजी ना लो, वह अपने मतलब लई ना घड़ी दियां सुइयां नू ना कदे भी मोड़ सकती है। मायरा, ये सब तू की कर रही है? बेटा इस वेले तेनू रेस्ट करनी चाहिए। मामी जी तुसी फिकर ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। वैसे तो इस वेले उस दिया नू होना चाहिए ते इस हालत च तेरी सेवा करनी चाहिए है, पर वो ता अपनी दुनिया च मस्त है ते ऐसी गेम दे मगर पई हुई है जिहड़ी कोई नहीं चाहता कि वो खेडे। रिलैक्स मम्मी जी, मैं हैगी है ना, सब कुछ आराम नाल हो जाएगा। असि गुरुद्वारा साहिब भी टाइम ते पहुंच जावांगे ते करे डिनर ते भी टाइम ते आ जावांगे। मैनू ते भी टेंशन हो रही है कि वो गुरुद्वारा साहिब भी टाइम ते आ पाएगी कि नहीं। मैं ना किसी नू गेट कोले देखे है। की क्यों नू देखे? जिहड़ा उस दिन आदमी अंदर नहीं वड़िया आया सीगा, मैं अज उहनू फिर देखे है। सुखी दे झूठ करके सारे अकेडमी दे गाज उस बंदे नूं लभन लगे हुए ने। मैनू लगता है मैनू इत्थों जाना चाहिदा है।
हरजीत तुहानू इत्थे नहीं आना चाहिदा सी। हौली बोल। सरजीत तुहानू इत्थे नहीं आना चाहिदा सी। जे गार्ड्स ने तुहानू देख लिया फिर जे मयंक सर नू पता लग गया कि तुसी इत्थे हो तो तुसी पक्का फड़े जाना है। चुप। मैं तेरे लिए इत्थे आया क्योंकि मैनू पता है तैनू फैमिली फंक्शन किन्ने पसंद ने। सो आई थॉट इस तो पहला तू इत्थों विसाखी लई भजे मैं आप तेरे कोल आ जावां। पर सर जी तुसी मैनू दिया मैं तैनू फोन कीते सी पर तू फोन चक्के नहीं किथे सी? सर जी मैं रूम च नहीं सी मैं कैबिन च सी ते मैनू फोन भेजने लई थैंक यू। कैबिन? केड़ा कैबिन? मेरा मतलब है मैं कैंटीन कैंटीन च सी मैं। ओके मैनू खुशी है एटलीस्ट तू कुछ खादा तो सही। वैसे मैं तेरे लिए कुछ स्पेशल लेके आया सी। मतलब सर जी एक ही है दिया फोन क्यों नहीं चक रही? अगर ये विसाखी लई घर आ गई तां इन्हूं होस्टल तो भजन तो किद्दां रोकां? आंटी तुसी इत्थे? सब ठीक तो है ना? हाँ पुत्तर सब ठीक। फिर तुसी अचानक इत्थे किवें? दरअसल ना मैनू तुहाडे नाल बहुत जरूरी काम सी इसलिए मैं तुहानू मिलन लई आई सी। कल विसाखी है ते विसाखी तो एक दिन पहला मैं खीर बनाउनी हुंनी आ ते दिया नू मेरे हत्थां दी खीर बहुत पसंद है। ये जानदे होए भी कि दिया इस साल अकैडमी है मैं थो रिहा ही नहीं गया ते मैं खीर देने लई दिया नू इत्थे आ गई। ठीक है आंटी मैं खीर दिया तक जरूर पहुंचावांगा। सर जी तुहानू अद्धी राती अकैडमी आने की की लोड़ सी? तुहानू पता ना इहदे विच किन्ना ज्यादा खतरा है जे फड़े जांदे ना तां बहुत वड्डा पंगा हो जाना सी। नाले तुहानू पता ही है मयंक सर तुहाडे नाल किन्नी ज्यादा नफरत करदे ने ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੀ? ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। दिया मैटर ये नहीं करता कि मैनू ये सब कितों पता लगे मैटर ये करता है कि तू इत्थे ये सब नहीं करना जी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सर जी तुहाडे लई इम्पोर्टेंट होवे या ना होवे पर मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं मैं नहीं चाहता कि तू ये सब करे। मेरा करियर पहले ही बर्बाद हो चुका है सो बेटर तू अपनी गेम ते फोकस कर। सर जी मैं गेम ते ही फोकस कर रही हूं बट दिया एकेडमी च रह के माया के नाल पंगा लेना मतलब पानी च रह के मगरमच्छ ना वैर पाउन वाली गल। सो प्लीज स्टॉप इट।
मैं तुहाडे तो कदे कुछ नहीं मंगया, पर मैं जानना दिया तुहाडे च बहुत बिलीव करती है, सो तुसी उनू नैशनल जितवाण च मदद कर। वाहिगुरू। बाबा जी कृपा करना कि मेरी ट्रेनिंग पूरी होने तक मैं मयंक सर के खिलाफ सबूत लभ के सर जी नू सही साबित कर सकूं।